न्यूज प्लस चैनल की सीधी बात में आप सबका स्वागत है। मैं हूं जीतू भाई पंड्या। फिर से सरकार पेट्रोल के दाम बढ़ाने जा रही है। कहा जाता है 3-4-5 रुपये तक पेट्रोल में भाव बढ़ेंगे, डीजल में भाव बढ़ेंगे। जो ऑयल कंपनियां हैं वो चाहती है कि रांधन गैस में जो गैस रसोई में काम आता है, रसोई गैस में, तो वो 300 रुपया बढ़ाना चाहती है। ये यूपीए की जो सरकार है, यूपीए 2 की जो सरकार है, जी चाहता है कि उनका नाम बदल दे। यूपीए 2 की सरकार की बजाय उसको लूटफाट सरकार कहने लगे हम लोग। लूट मचा दी है ये सरकार ने। दलील दे रहे हैं कि पेट्रोल कंपनियों को घाटा हो रहा है, इसलिए पेट्रोल के दाम बढ़ाने पड़ेंगे। दलील दे रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भाव बढ़ रहे हैं तो यहां भी भाव बढ़ेंगे। बेतुकी बात है, गलत बात है, हमें गलत हिसाब दिया जाता है, हम चीट हो रहे हैं, हमारे साथ चीटिंग हो रहा है। सरकार ने आज तक ये हिसाब नहीं दिया कि भारत में जो पेट्रोलियम का उत्पादन होता है वो क्या भाव से हमें मिलता है, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है। भारत में जो पेट्रोलियम निकलता है उसमें से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन जो बनाया जाता है उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, वो छुपा के रखी है। और जब भी इंटरनेशनल मार्केट में भाव बढ़ते हैं तो वही नाम से हमारे दाम बढ़ा दिए जाते हैं। मगर हमें यह तो बताए कि भारत का जो उत्पादन है, जो हमारी कुल खपत का 30% है, 35% है, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है। और वो कम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाला पेट्रोलियम जो है, पेट्रोल प्रोडक्ट है, वो आप इंटरनेशनल बाजार से खरीदे गए पेट्रोल के साथ मिलाते हो तो भाव तो कम होने चाहिए। हम बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हम 100% परदेश से ऑयल मिला पेट्रोलियम प्रोडक्ट लाते हैं, नहीं। तो भारत सरकार ने एक सबसे बड़ी चोरी जो की है वो ये है कि वो हमें घरेलू उत्पादित पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है वो भी इंटरनेशनल मार्केट से बेच रहे, वही दाम से बेच रहे। रिडक्शन ऑफ कॉस्ट जो होना चाहिए वो नहीं हो रही है। दूसरी बात, भारत की जो 4 बड़ी ऑयल कंपनियां हैं वो तो मुनाफा कर रही है। उनके एक ऑर्डिनरी कर्मचारी का पगार 1 लाख रुपया है। अब पेट्रोल, डीजल, ऑयल बेचने के लिए ये पेट्रोलियम कंपनियों ने 2-2, 3-3, 5-5 लाख रुपये पर मंथ पगार वाले ऑफिसर रखे हैं। अब मुझे ये समझ में नहीं आता है, आपको भी समझ में नहीं आएगा, जबकि पेट्रोल पंप का मालिक डिमांड ड्राफ्ट निकाल के वो डिमांड ड्राफ्ट रिफाइनरी में जमा कराता है, बाद में उसे पेट्रोल, डीजल, ऑयल दिया जाता है। अब जो चीज एडवांस पैसा लेके वो बेच रहे हैं, स्केयरसिटी है, वो चीज बेचने के लिए 2-4-5 लाख रुपए के प्रोडक्शन सेल्स मैनेजर, सेल्स एग्जीक्यूटिव, सेल्स रीजनल मैनेजर रखने की जरूरत ही क्या है। कोई मुझे समझाए ये बात। मगर ये जो ऑयल कंपनियां है उसमें जो ऑफिसर बने हुए हैं, सेल्स डिपार्टमेंट में जो लोग घुसे हुए हैं, वो एमपीस के, मिनिस्टर के, पार्टी लीडरों के सब रिश्तेदार घुस के बैठे हैं। जो कंपनी का माल स्केयर सिटी में चल रहा हो,
जो कंपनी की मोनोपोली है पूरे भारत में, चार कंपनियों की, अभी अभी दूसरी कंपनियां आई, फिर भी वो कंपनियां रिलायंस या एसआर या कोई उसके साथ कंपटीशन में नहीं है। दुनिया में कोई कंपनी ऐसी नहीं देखी कि जो कंपटीशन बिना कंपटीशन सेल्स मैनेजरों की फौज रखती है। धंधा करना नहीं है, धंधा तो मिल ही रहा है, एडवांस पैसा आ रहा है फिर माल दे रहे हो, वसूली भी नहीं करने की है कि भाई आपने माल दिया था वो पैसे नहीं दे रहे, वो अधिकारी वहां जाके पैसे ला रहे, नहीं, आपको आपकी ऑफिस में बैठे बिठाए पैसे मिलते हैं। तो ये उल्टे सुलटे खर्चे हो रहे हैं और सरकार लूट चला रही है। केंद्र सरकार ने 12% वेट लगा के रखा है और राज्य सरकारों ने 20-25% तक वेट लगा के रखा है। गुजरात और महाराष्ट्र तो हाईएस्ट है वेट लगाने में। बड़ौदा में भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी है हमारे गांव में, और भारत में सबसे महंगा पेट्रोल बड़ौदा में बिक रहा है। तो ये भी समझ में नहीं आता कि भाई गुजरात इतना सारा पेट्रोल बनाता है, उत्पादन है गुजरात में पेट्रोलियम प्रोडक्ट का, आसाम और गुजरात दो ही तो स्टेट है जहां से सबसे ज्यादा पेट्रोल आता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट आती है। अब गुजरात में इज हाईएस्ट भाव, मगर यहां जो गुजरात की सरकारें हैं उनकी चोरी है, वो 22% वेट लगा के बैठे हैं। और ये दोनों सरकार, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, वो इतनी कमी नहीं है कि पूछो मत, उनका कमी ना पन देखो। उन्होंने ये नहीं तय किया कि हम 1 लीटर पेट्रोल पे या डीजल पे कितना वेट लगा रहे हैं, उन्होंने प्राइस के साथ उसको जोड़ा हुआ है। जब 40-35 रुपये पेट्रोल बिक रहा था तो उसके हिसाब से वेट मिल रहा था, अब जैसे जैसे भाव बढ़ता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तिजोरियां भर जाती है और भरती है। अब जो पेट्रोल हम 70 रुपये के आसपास ले रहे हैं, 70 रुपीज के आसपास ले रहे हैं, उसमें से 35 रुपया तो ये दो सरकार खा जाती है, 35 रुपया आधा, 50% से भी ज्यादा उनके टैक्सेस लगे हुए हैं, और कोई सरकार वो कम नहीं करना चाहती। तो अब हम जागे, हम मांग करें, हम हाईकोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए, हम आंदोलन करें, ये अन्ना भी भ्रष्टाचार दूर करने की बात बाद में करे, बाबा रामदेव भी वो बात बाद में करे, पहले ये बात पे लड़ाई शुरू हो जाए देश में कि पेट्रोल डीजल पर आप पर लीटर टैक्स लेंगे, चाहे अंतरराष्ट्रीय बाजार में भाव कम होते ज्यादा होता है वो हम देखेंगे, उसके पैसे हम देने के लिए तैयार है। मगर हम अगर हमारी हमें लूट लिया जाता है, रात को हम जा रहे हैं हमें लूट लिया गुंडों ने, और अब शिकायत करने पुलिस स्टेशन जाते हैं तो पुलिस इंस्पेक्टर कहता है कि पैसे दो, तुम्हारे तो 25 लाख की लूट हो गई है, 2 लाख दोगे तो मैं शिकायत लूंगा आपकी। तो लूट तो गए और उस लूट के माल पे भी आप टैक्स लगा रहे हो, बाजार में भाव बढ़ा रहे हो, आप ही बढ़ा रहे हो, उस पे टैक्स अपने आप बढ़ता जा रहा है। तेल कंपनियों को अगर 1 रुपया घाटा हो रहा है लीटर पर, और वो 1 रुपया का घाटा नहीं करना चाहती, सही बात है, व्यापार में आप घाटे से इतना बड़ा कारोबार नहीं चला पाओगे, तो वो 1 रुपया बढ़ाना चाहती है तो उन्हें 1.5 रुपया भाव बढ़ा के रखना पड़ता है, 1.35 भाव मांगना पड़ता है, क्योंकि सरकार 1 रुपया बढ़े हुए भाव पर भी अपना टैक्स ले रही है। तो ये तो सरासर नाइंसाफी है। हम सब जागे, हम सब कुछ करें,
कोई जंग छेड़ दे सरकार के सामने, एक मांग करे कि पर लीटर आप हम पे टैक्स डाले, और भारत सरकार अगर 12% वेट ले रही है तो गुजरात सरकार दूसरी भी सरकार 12% से ज्यादा वेट नहीं ले सके, ऐसा कोई कानून बनाया जाए। तो ये तो खुली आम लूट चल रही है पेट्रोल के नाम से। पेट्रोल कंपनियां भी अब जो खरबों रुपया एडवर्टाइज के पीछे भी गाड़ती है, अपने ऑफिसरों के पीछे भी गाड़ती है, बोनस मिलता है उनको। अगर ये कंपनियां घाटे में जाती है तो इनके अधिकारियों को इतना भारी बोनस कैसे मिलता है? ये कंपनियां घाटा कर रही है तो वो भारत सरकार को खरबों रुपये का इंटरेस्ट कैसे पे कर सकती है? तो बात कहीं रुकी नहीं है, सब चल रहा है और हमारी लूट चालू है। भारत सरकार जब अपनी बात आती है, गुजरात मतलब सरकार, राज्य सरकार अपनी बात आती है तो वो कहती है कि हम तो पेट्रोल की प्राइस पर टैक्स वसूलेंगे, मगर जो पेट्रोल पंप के मालिक है वो कहते हैं कि भाई इन्वेस्टमेंट तो मेरा है, आप भाव बढ़ाते हो तो मेरा इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है, तो मुझे और रिटर्न मिलना चाहिए क्योंकि मेरा इन्वेस्टमेंट बढ़ा। नहीं, जो पेट्रोल पंप के मालिक है, डीलर है, उनको पर लीटर पैसे दिए जाते हैं, तो पर लीटर उनको मान लो 32 पैसा 35 पैसा मिल रहा है, अब भाव बढ़ते ही जा रहे हैं तो उनका कमीशन नहीं बढ़ता है, मगर हमारा टैक्स जो है सरकार का वो बढ़ रहा है। अब दूसरी भी एक बात है कि जितना पेट्रोल का कंजम्पशन है उसमें से 35% से भी ज्यादा कंजम्पशन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के अधिकारी कर्मचारी और उनके प्रोजेक्ट में खर्चा हो रहा है। वो तो खुद सरकार उसका उपयोग करती है, मिलिट्री यूज करती है, पुलिस यूज करती है, पीडब्ल्यूडी की गाड़ियां दौड़ रही है। अब मुझे पता है कि 1974 में जब आप कलेक्टर ऑफिस जाते थे तो वहां हार्डली 5-6 ऑफिसरों के पास सरकारी गाड़ियां थी, आज हर एक डिस्ट्रिक्ट पे कोई 200-300 सरकारी गाड़ियां खड़ी हो गई है। पहले कलेक्टर साहब भी बिल्कुल पुरानी एम्बेसडर लेके घूम रहे थे, अब तो मामलतदार, तहसीलदार, कोई छोटे से छोटा अधिकारी भी 15-25 लाख की गाड़ी के बिना घूमता नहीं है, जिसकी एवरेज 14-15 भी नहीं है, 10 एवरेज वाली गाड़ियां लेके घूम रहा। सरकार वहां क्यों नहीं देखती कि हमारा कंजम्पशन कम करे? सरकार क्यों इन अधिकारियों के लिए कोई पाबंदी नहीं लगाती? तहसीलदार साहब ऑफिस पहुंचे, फिर ड्राइवर को बुला के कहते हैं कि आप घर जा और मिसिज अपनी, मेरी मिसिज है उसको यहाँ ले जा, फिर वहाँ ले जा, फिर वो गांव ले जा, फिर वहाँ से मेरे ससुराल ले जा और तुम शाम तक वापस आ जा। अब सरकारी खर्च से, सरकारी पेट्रोल से इतनी सारी गाड़ियां घूम रही, पता नहीं कौन उसमें सरकारी ऑफिसर घूम रहे हैं या उसकी बीबियां घूम रही है, उसकी सालियां घूम रही है या उसकी सहेलियां घूम रही है, कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता। ड्राइवरों को लॉगबुक भरनी होती है, साहब उसको डांट के बिल्कुल गलत लॉगबुक भरवाते हैं। तो सरकार क्यों तय नहीं कर देती कि ये जो अधिकारी है, ये कैडर का जो अधिकारी है, उसको महीने 200 लीटर मिलेगा, 300 लीटर मिलेगा? पुलिस कमिश्नर है, डीएसपी साहब है, अभी उसकी गाड़ियां तो पेट्रोलिंग में घूमती नहीं है, घर से दफ्तर, दफ्तर से घर, या कहीं इधर उधर होते, कोई फंक्शन में जा रहे हैं वो। अब कमिश्नर साहब की, आईपीएस अधिकारियों की गाड़ियां पेट्रोलिंग वाली गाड़ियों से भी ज्यादा पेट्रोल कंजम कर रही है, मीटर घुमा रही है, तो साफ मतलब है कि साहब और उनके घर वाले घूम रहे हैं पेट्रोल वाली गाड़ियों में।
तो कोई तो पाबंदी लगाओ, तय कर दो कि एक आईपीएस ऑफिसर है वो महीने का 400 लीटर पेट्रोल लेगा, 300 लीटर पेट्रोल लेगा, जो मामलतदार है वो 200 लीटर पेट्रोल लेगा। नहीं, वहां कोई पाबंदी नहीं है, सरकार के जो भी प्रोजेक्ट है वहां पेट्रोल पानी की तरह बह रहा है, सरकारी अधिकारियां पानी की तरह उसे बहा रहे हैं, और फिर वो जो खर्चा होता है वो सब हमसे वसूल किया जाता है। तो ये बंद हो, मेरी तो ये भी समझ में नहीं आता है कि छोटे से छोटे तहसीलदार, मामलतदार या उससे भी गए गुजरे लोगों के पास 20-20 लाख की गाड़ियां क्यों है। उन्हें दे दो हीरो होंडा, बजाज, कोई मोटरसाइकिल लाके दो, बोल दो उनको कि ये पैसे पकड़ो, 60,000 रुपये दे दो कि अब तुम 6 साल बाद तुम्हें नई एक मोटरसाइकिल दे देंगे। ये देश में 32 रुपया, अभी तो नया सुधार आ गया कि 22 रुपया वाला आदमी भी गरीब नहीं है, अब पर हेड 22 रुपया, पर डे पर हेड 22 रुपया कमाने वाला व्यक्ति गरीब नहीं है। और यहां देखो, एक साहब जादे है, एक सरकारी अफसर है जो रोज का 2,000 रुपये का तो पेट्रोल फूंक देते, देओ एक मोटरसाइकिल उसे और कहो घूमे मोटरसाइकिल पे, कोई ड्राइवर नहीं, कोई गाड़ी नहीं, हैसियत ही क्या इन लोगों की। अगर वो सरकारी नौकरी छोड़ के कोई दुकान पे चला जाए, कोई घुमास्ता नहीं रखे और उसको सोफर ड्रिवन कार है, करोड़पति लोग अपने आप कार चला के घूमते हैं मुंबई में, पूरे दिल्ली में, सब जगह। हटाओ सबको, बोलो कि 4,000 रुपया ले लो ड्राइवर अलाउंस, चाहे तुम चलाओ या ड्राइवर रखो, सरकारी ड्राइवर नहीं मिलेगा 18,000 रुपया पगार वाला। पांच जो बड़े अफसर है डिस्ट्रिक्ट में, कलेक्टर है, कोई बड़े अफसर है, उसको सोफर ड्रिवन कार मिले, हम ना नहीं कहते, बड़ी वाली कार मिले ना नहीं कहते। कमिश्नर है, आईजी है, म्यूनिसिपल कमिश्नर है, डीडीओ साहब है, मरे तो येरे गेरे नत्थू गेरे के पास बड़ी बड़ी सरकारी गाड़ियां देखता हूं मैं, सोचता हूं मैंने पूरी उम्र इतनी सारी बिजनेस की, इतना सारा काम किया, मैं नहीं खरीद पाता हूं वो कार। और जिसमें दो कोड़ी की अक्कल नहीं है वो 20 लाख की गाड़ी में आगे सोफर चला रहा है, वो पीछे बैठे हुए है, बीबी बैठी हुई है, साली बैठी हुई है, और यहां से अहमदाबाद जा रहे है साहबजादे। तो सरकार अपना पेट्रोल का कंजम्पशन कम करे, तय कर ले कि आज जो हम कंजम्पशन कर रहे हैं उसमें हम 20% कटौती करेंगे। और मैं तो कहता हूं गाड़ी, जैसे आप छोटे अधिकारियों को मोटरसाइकिल दे रहे हो, देने की मैं बात कर रहा हूं, ऐसे बड़े अधिकारियों को भी कार दे दो, कार के पैसे दे दो, क्या अब आपको मेंटेनेंस भी आपको रखना है, सब आप, ये कार आपकी, आप 5 साल के बाद दूसरी कार ले लेंगे। यहां तो मेंटेनेंस के नाम पे, रिपेयरिंग के नाम पे, टायर बदलने के नाम पे बस घपला ही घपला चल रहा है देश में। बड़े बड़े भ्रष्टाचारों की बात कर रहे हैं, ये छोटा छोटा भ्रष्टाचार मिलके वो रकम जा रही है ये जिसका हिसाब नहीं है, केक भी नहीं पकड़ पाता ये सबको। तो सरकार सुधरे, पेट्रोल कंपनियां सुधरे, ये टैक्सेशन का माहौल बदला जाए, हमें सस्ता पेट्रोल देना चाहिए। गोवा में हुआ, 11 रुपये भाव कम हो गए, गुजरात में क्यों नहीं हो सकता है? हम समझ सकते हैं गुजरात बड़ा स्टेट है, गोवा छोटा स्टेट है, गोवा में 14 लाख की सिर्फ बस्ती है, बड़ौदा से भी कम छोटा शहर है, कबूल। मगर गुजरात में 5-6 रुपया तो आप घटा सकते हो कि नहीं घटा सकते हो? और मैं समझता हूं ये पेट्रोल बड़ी विस्फोटक चीज है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट बड़ी विस्फोटक चीज है, एक दिन ये पेट्रोल के बढ़ते हुए भाव ये भारत में, गुजरात में, पूरे देश में तूफान मचा देंगे, लोग रोड पे आ जाएंगे, थक गए हैं अब। अब हमें कोई नेता चाहिए जो हम ये सबसे मुक्ति दिला दे, नहीं तो फिर लोग अपने आप
एक आंदोलन खड़ा कर देंगे जिसमें अच्छी अच्छी सरकारें गिर जाएंगी। सीधी बात में आज इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे।